हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर को लेकर कैसा महसूस कर रहे हो, यानी कि आपकी करंट फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी करंट फीलिंग्स मैं टैरोट के थ्रू निकालूंगी और कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी क्या करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, कैसा महसूस कर रहे हो आप। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, बताइए यूनिवर्स। ओके, तो द लवर्स पहला कार्ड गिरा है, पॉप आउट हुआ है, और यहां पर है सिक्स ऑफ पैंटिकल्स। ओके, यहां पर है द एम्परर। ठीक है, यहां पर है फोर ऑफ पैंटिकल्स, यहां पर है द मजिशियन। बॉटम से देख लेते हैं डेथ। तो गाइस, मुझे यहां पर दिख रहा है आपका जो जोडिक साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष दिख रही है, हो सकता है मेष या सिंह राशि भी आपकी है। ठीक है, तो ये जोडिक साइन मुझे यहां पर दिख रहे हैं। सिक्स नंबर, फोर नंबर, फाइव नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या वन नंबर मूलांक हो सकता है, आपका भाग्यांक हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अप्रैल का मंथ, जैन, जून का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप चाहते हो ये आपकी लाइफ में आ जाए, चीजें आप दोनों के बीच में सही हो जाए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, और कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर लिया है, कहीं ना कहीं आप गिव अप कर चुके हो, प्यार इतना करते हो पर इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देख के आप गिव अप कर चुके हो, आप बहुत परेशान हो। आप को ना, ये ना बहुत लोगों से हो सकता है फ्लर्ट करते हैं या फिर बात करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप परेशान हो चुके हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ना आप बहुत टेंशन में हो, आपको ऐसा लगता है कि इनके लिए बहुत ऑप्शंस हैं, ये तो हर किसी से बात कर लेता है या कर लेती है, इसको प्यार की वैल्यू नहीं है, प्यार की समझ नहीं है, पर आपको, आप ना इनसे बहुत ज्यादा प्यार किया है, आपने हमेशा डिवोटेड रहकर प्यार किया, मतलब पूरे दिल से पूरी हर चीज कर दिया आपने इनके लिए। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे, आपने इनको छोड़ना नहीं चाहते थे, पहले भी आप इनको कस कर बात कर रखते थे, आज भी आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हो, आपने बहुत रोक टोक भी करी, इनको समझाया भी, इनको बताया भी, हर चीज आपने जता दिया, पर इन्होंने कभी नहीं समझा। ठीक है, आपकी वैल्यू को आपको इन्होंने कभी भी नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं करी, जिसका आपको हर्ट हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने बॉटम से देखा था डेथ, और डेथ का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं अब आप ना चेंज हो गए हो, आपने अपने अंदर ना इनर वर्क किया, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, आप ना बिल्कुल अब भी इनकी तरह ना एरोगेंट हो गए हो, ईगोस्टिक हो गए हो, यानी कि आप भी ना अब ऐसे प्रैक्टिकल सोचने लगे हो। ठीक है, आप भी जैसे ये थे ना, आप बिल्कुल वैसे बन चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी वैल्यू नहीं करता या नहीं करती, तो मैं क्यों इसकी वैल्यू करूं, मैं ही क्यों, हर समय मैं ही क्यों करूं। इन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा है, बहुत हर्ट किया है आपको, जिस वजह से आप इतना परेशान रहते हो, बहुत बहुत परेशान रहते हो, पर प्यार, आप पता है क्या है, आपका सारा फोकस पहले भी इनके ऊपर ही था, आज भी इनके ऊपर है, पर इनका फोकस कहीं ना कहीं डकमगाया है, इनका ध्यान आपसे हटा है। ठीक है, आप चाहते हो ये आपको केयर दे, आप पे ध्यान दे। ठीक है, बहुत बर्डन लिया है आपने, बहुत परेशान हो आप इस रिश्ते में, इस कनेक्शन की वजह से, और आप इनको बस मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। ठीक है, आप कुछ दिखा तो नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो गए हो, आप खुद से इनको चेज भी नहीं कर रहे हो, पर मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हो, आप चाहते हो ये आपकी लाइफ में आ जाए और बैलेंस हो जाए आपकी लाइफ, ये सब कुछ छोड़ करके सुधर कर आपके पास आए, आप ऐसा चाहते हो। ठीक है, तो चलिए अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं।
वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है, फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेते रहिएगा, फेस विजुलाइज कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ओ माय गॉड, पहली ड्रॉप में कैंडल बुझ गई है। आपके पार्टनर ना मुझे यहाँ पर जो कैंडल बुझी है बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हुए, बर्डन, लो एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत लो एनर्जीज में है ये, क्योंकि कैंडल बुझी उससे लग रहा है मुझे, ठीक है। जब भी ये आपको याद करते हैं ना, इनके दिल में बस प्यार ही प्यार होता है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट बन गया है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए, बहुत इमोशंस है जो कि ये एक्सप्रेस नहीं करते, वो चीज तो है कि एक्सप्रेस नहीं करते, पर प्यार, लव, इमोशंस मुझे इनके मन में आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। देखो मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, जिससे आप डील कर रहे हो ये मकर राशि के हो सकते हैं, एरीज भी हो सकती है इनकी राशि, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकती है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं आपको लेकर, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये ना अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, करियर ओरिएंटेड है। इनको पहले भी ये बहुत काम वगैरह करते थे, अपने वर्क में बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, जिसका इनको फल मिला है। हो सकता है जब आप थे, आप इनको बहुत मोटिवेट करते थे, और आपने भी इनको बहुत हेल्प किया है इनका अच्छे बिजनेस के लिए, या फिर हो सकता है कि अच्छे करियर के लिए मोटिवेट करना, आपने इनकी हेल्प करना, जो कि सक्सेस हुआ है आपका मोटिवेशन करना। तो इनको मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट करियर में, फाइनेंस में दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर पेंटिकल्स पेंटिकल्स देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर पेंटिकल्स पेंटिकल्स दिख रहे हैं, जिससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत प्रॉफिट हुआ है अपने करियर में, ठीक है। और ये जो चीज है ना, ये जो इनके साथ अच्छा हुआ है, गुड न्यूज है जो इनकी, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि पहले क्या था ना, जो भी सुख था दुख था, आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे, तो वो खुशी, अगर खुशी है तो दुगनी हो जाती थी, अगर वो दुख है तो आधा हो जाता था। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि या डेफिनेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको, अपने प्यार को आपको बता देना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना, कितने इनके दिल में कितना प्यार है, और इनके साथ कितना आपकी वजह से इनको प्रॉफिट हुआ है आज, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि आपका हाथ दिख रहा है मुझे इनके प्रॉफिट में, इनकी अच्छे करियर में ना हाथ आपका है, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए ये आपकी तरफ ना पैशनेट फील कर रहे हैं, इनको रियलाइज हो रहा है आपकी वैल्यू का, आपके प्यार का, जो इनका ध्यान भटक गया था ना आपसे, अब वो ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही मुड़ कर आ रहा है, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए, आपको याद करते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि जब भी ये फोन उठाते हैं, आपको मैसेज करते हैं, टाइप करते हैं, और फिर भेजते नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना, पता नहीं आप कैसे ही रिएक्ट करोगे, ये मतलब ही है, आपको ऐसा फील होगा कि ये सेल्फिश है, और तभी ये आज आपको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खुशी, जो खुशी हुई है इनको, तो अब ये कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और जब मुझे जरूरत थी इनकी, मतलब आपको जब जरूरत थी इनकी, तो इन्होंने बिल्कुल कॉल मैसेज किया ही नहीं, आपको इग्नोर करके रख दिया था, ऐसा आपको फील होगा, इसीलिए ये कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कैंसिल कर दे रहे हैं, अगर मैसेज लिख रहे हैं तो, या कॉल तक पहुंच रहे हैं तो कॉल नहीं मिला रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये आपके सामने ना अपनी वैल्यू को कम नहीं करना चाहते हैं, अपनी वैल्यू को घटाना नहीं चाहते हैं, बहुत हो गई है गलती, वैल्यू घटी भी है, वैल्यू इनकी कम भी हुई है, पर अब ये नहीं वैल्यू अपनी कम करना चाहते आपकी नजरों में, क्योंकि ये जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो अनकंडीशनल लव करने लगे हैं, ठीक है, मुझे इनकी एनर्जी इसमें दिख रहा है। मुझे बी बनकर दिख रहा है यहाँ पर, बी इनिशियल हो सकता है आपके पार्टनर का, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने जो भी आज तक किया अपने बारे में सोचकर ही किया, मतलब अपने अपने बारे में सोचना, अपने ही चीजों को ध्यान में रखकर करना, आज तक कभी आपके बारे में नहीं सोचा, ठीक है, पर अब ये सोचना चाहते हैं आपके बारे में, आपको प्यार देने के बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत जल्दी अनब्लॉक करने वाले हैं,
ठीक है, ताकि आप कोई रिस्पॉन्स दिखा दो, रिस्पॉन्स कर दो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो जाते हुए मुझे दिख रही है। वाओ, वेरी पॉजिटिविटी, मुझे ऐसा दिख रहा है वहां पर एंड होने वाला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का यहाँ पर एंड मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो आज तक एक्सप्रेस नहीं कर पाए उस हिसाब से जैसा आप चाहते थे, अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को, इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए, ये ऐसा फील कर रहे हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि ये कितना प्यार करते हैं, और आप भी इनसे प्यार करो ये चाहते हैं कि खूब सारा आप भी इनसे प्यार करो। आपके बिना ना ये बिखर के टूट कर रह गए, इनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि इनको आपकी जरूरत है। देखो, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की जरूरत है, इनको ऐसा फील हो रहा है आपकी जरूरत है इनको। ठीक है, वो प्यार इमोशंस देना चाहते हैं, जो भी गलती हो गई है उनसे ये सीख ही रहे हैं और उन गलतियों से सुधरना भी चाहते हैं और अपनी गलतियों से ना ये सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी इन्होंने आपको घाव दिए हैं, जख्म दिए हैं, उनको भरना चाहते हैं। हीलिंग, ऐसा दिख रहा है कि हीलिंग हीलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन की, आपकी, ठीक है, बहुत जल्दी ये हील होंगे और आपको भी हील करेंगे। काफी हद तक ये मुझे हील्ड दिख रहे हैं, अब आपको हील करना बाकी है इनने। ठीक है, ये आपको बता देना चाहते हैं ये आपसे कितना प्यार करते हैं, जो इन्होंने आपको अभी तक बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं करा, शो नहीं करा, अब बताना चाहते हैं ये आपसे कितना सारा प्यार करते हैं। मुझे यहां पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, तो ये ना फील करने लगे हैं कि आप दोनों कितना कोशिश कर लो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये आपसे अलग होना भी नहीं चाहते और ना हो सकते हैं। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों एक ही जान है, मतलब एक जिस्म दो जान कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान, सॉरी। तो यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि हम दो जिस्म एक जिस दो जिस्म एक जान है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका सब कुछ हो और आप ही के साथ ये पूरी दुनिया देखते हैं, आप ही में पूरी दुनिया देखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको काफी दिन से एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं 555 दिख रहा है या फिर 666 दिख रहा है, जो भी है एंजल्स नंबर अगर आपको दिख रहा है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इतना टेंशन मत लो। ठीक है, इतना टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे प्यार को हम लौटाएंगे, तुम्हें तुम्हारे प्यार को हम तुम्हें देंगे। ठीक है, वो आपको बता देना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है ये किसी ना किसी से आपकी बात करते रहते हैं और वो भी पॉजिटिव टॉक्स, पॉजिटिव बात करते रहते हैं कि आपने कितना कुछ किया है, ये वो बता रहे हैं उनको कि कितना कुछ आपने किया है, कितना प्यार दिया है इनको, कितने सपोर्टिव रहे हो आप, हमेशा हमेशा आप कितने अच्छे रहे हो, किसी को बता रहे हैं ये, इनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं या कलीग हो सकते हैं, इनको वो चीजें बता रहे हैं कि मुझसे एक प्यार करती थी या करता था, जो जिसने मुझे दिल जानों से चाहा और मैं कितना बेवकूफ था या मैं कितनी बेवकूफ थी, ये ऐसे करके बता रहे हैं। पता है, किसी को, जिसको भी ये अपनी बात शेयर कर रहे हैं ना, वो सीधे यही कह रहा है इनसे या कह रही है इनसे कि जाओ भाई, उसको अपने जिंदगी से दूर मत करो, क्योंकि ऐसा इंसान मिलना बहुत इम्पॉसिबल है, उसकी कदर करो और उसको अपनी लाइफ में रखो। ठीक है, इसलिए इनको समझ आ रहा है आपकी वैल्यू, आपकी कदर, और आपकी आपको अपनी लाइफ में ना हमेशा रखना चाहते हैं। ठीक है, आपके बिना ना अधूरा सा फील होता है इनको, इनका कोई एक हिस्सा नहीं है, ऐसा इनको फील होता है। जैसे मानो अगर किसी के पास एक हाथ नहीं है तो वो एक हाथ से कैसा, कितना अधूरा लगेगा, या एक आंख नहीं है कितना अधूरा सा लगेगा, तो इनको वही फील हो रहा है कि मेरा एक, मेरी बॉडी का एक हिस्सा मुझसे दूर है, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, देखो, जो इनको फीलिंग पहले नहीं थी आपके लिए, उससे ज्यादा फीलिंग्स अब डेवलप होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, क्योंकि आपके प्यार ने, आपके इमोशंस ने, आपके मैनिफेस्टेशन ने जो कमाल किया ना यहाँ पर, यस, आपके मैनिफेस्टेशन का ही असर है जो ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ठीक है,
ऐसा दिख रहा है, ये खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ, आपसे दूर नहीं हो सकते ये, चाहे कितनी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, ये दूर नहीं हो पा रहे हैं आपसे, बस आप ही के होकर रहना चाहते हैं, और एक जो दूरियां है ना उसको कम कर देना चाहते हैं, और या आपके साथ जिंदगी भर एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि मैं कितना बेवकूफ था, या मैं कितनी बेवकूफ थी, मैंने कितना अच्छा लाइफ पार्टनर, चाहे आप इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप इनके हस्बैंड वाइफ हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ठीक है, कि मैंने एक अच्छा लाइफ पार्टनर अपने अपने से दूर कर दिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्होंने कभी कहा हो और आपने नहीं किया हो, आपने हमेशा इनका ख्याल रखा है, हमेशा इनको वो प्यार दिया है जो शायद ये इनको ऐसा लग रहा है जो मैं डिजर्व भी नहीं करता था या नहीं करती थी, वो तक प्यार इसने मुझे दिया है, ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है, इसीलिए ये आपके प्यार को पाना चाहते हैं, दोबारा से आपके होना चाहते हैं या होना चाहती हैं, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, अब अगर फैमिली माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने ना माने, अब मुझे बस तुमसे ही शादी करनी है या तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना है, बस इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये आपसे जितना प्यार करने का, इनके जो इमोशंस है जो इतने ज्यादा डेवलप हो रहे हैं ना आपकी मैनिफेस्टेशन की बदौलत, ये नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है, मैं स्ट्रांगली ऐसा देख रही हूं, यस, आपको ये भी होल्ड करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप इनके डीएम हो, आप इनके डीएफ हो और ये आपके डीएम है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और बहुत जल्दी आप लोग का रियूनियन यहां पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस एनर्जीज को, यस, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज़।